तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से लेके आ चुके हैं स्पेशल एयरड्रॉप का नया ट्रिक। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो क्या ही यहाँ पे रेयर एयरड्रॉप आया है। और यहाँ पे फ्री फायर की मोस्ट रेयर क्रिएट है क्रेजी बनी, MP40 क्रेजी बनी की यहाँ पे क्रिएट्स मिली है। तो इसको हम परमानेंट निकालने का ट्राई करेंगे और परमानेंट निकालेंगे इसको। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड मून स्कार की क्रिएट है 5, यहाँ पे 299 डायमंड्स हैं, यहाँ पे 96% डिस्काउंट मिला है और यहाँ पे 29 रुपीज़ का एयरड्रॉप है। तो आप भाई यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इतने रेयर अकाउंट में और यहाँ पे टॉपअप के बाद भी यहाँ पे एयरड्रॉप आ रहा है। तो आप भी कितना भी टॉपअप करते हो, अगर आप ट्रिक फॉलो करोगे तो भाई आपके 100% चांस है कि आपके अकाउंट में एयरड्रॉप आ जाएगा। आपको बस ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना है, वीडियो को लास्ट देखना, आपके अकाउंट में एयरड्रॉप आ जाएगा। तो भाई बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यार एयरड्रॉप का वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बस इसका मेन रीज़न ये था कि एयरड्रॉप की वीडियो पे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने एयरड्रॉप की वीडियो को डालना बंद कर दिया था। और फिर भी यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एयरड्रॉप का नया ट्रिक लाओ, तो उनके लिए लेके आ चुके हैं। और अगर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि आगे भी मुझे एयरड्रॉप की वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ यहाँ पे बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग वीडियो को वाच करते हैं, डेली वाच करते हैं, सारी वीडियो वाच करते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितने लोग वीडियो को वाच करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके सपोर्ट से ऐसे नए नए ट्रिक डालने का मन करता है। तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी भी बताएंगे कैसे आपका एयरड्रॉप आएगा, तो उससे पहले हम यहाँ पे एयरड्रॉप को बाय कर लेते हैं। तो गाइस एयरड्रॉप को बाई करने से पहले आप यहाँ पे इसकी टाइमिंग देख लो, जो यहाँ पे लॉबी में टाइमिंग चल रही है यहाँ पे सेकंड वगैरह, वहीं यहाँ पे कट करने पे भी टाइमिंग चल रही है। तो ये आप अच्छे से देख लो कि वही एयरड्रॉप है, वही अकाउंट है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे वॉल्ट में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्रेट्स देख सकते हो कि दूसरी क्रेट्स है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्रेट्स नहीं है। जो लोग जो एयरड्रॉप आया उसकी यहाँ पे कोई भी क्रेट्स नहीं है। ऊपर आप डायमंड देख लो, यहाँ पे 6 डायमंड है। और अभी बाई करूँगा तो 1 डायमंड एक्स्ट्रा में मिलता है, जो हमेशा की तरह हर एयरड्रॉप जो लोग एयरड्रॉप बाई करते हैं उनको पता है कि आप अगर एयरड्रॉप बाई करते हो तो आपको 1 डायमंड एक्स्ट्रा में मिलता है। चलिए यहाँ पे हम एयरड्रॉप को बाई करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपको कैसे एयरड्रॉप आएगा। तो भाई यहाँ पे हम एयरड्रॉप को बाई कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एयरड्रॉप अपना बाई हो चुका है और अभी इसको हम वॉल्ट में जाके ओपन करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ से नहीं, इसको हम चलिए वॉल्ट से ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे वॉल्ट में बंडल आ चुका है, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डायमंड तुरंत ही ख़त्म करने हैं तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर आपको डायमंड बाद में ख़त्म करने हैं तो भाई इसको ओपन मत करना जब तक आप दूसरा एयरड्रॉप मंगवा ना लो। बहुत से लोग बोलते हैं भाई एक के बाद दूसरा एयरड्रॉप कैसे आएगा, तो भाई उसके लिए यही है कि आप यहाँ पे डायमंड ओपन मत करो जब, या तो फिर अगर आप डायमंड ओपन कर दिए तो उनको ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में डायमंड्स रहते हैं तो भाई चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे डायमंड ख़त्म करने हैं इवेंट में, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं MP40 क्रेजी बनी निकाल के परमानेंट दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई कैसे निकाले, तो भाई इसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो सकेगा तो मैं इसका लिंक वीडियो का उस वाले का नीचे यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप लोग देख ही सकते हो। तो भाई इससे पहले यहाँ पे हम अपनी गिल्ड सप्लाई क्लेम कर लेते हैं। तो कहाँ गई भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी गिल्ड में दूसरे बंदे का भी एयरड्रॉप आया था। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। आप यहाँ पे मेरी गिल्ड में देख सकते हो कि यहाँ पे पर डे जो है हर बंदे, आप देख सकते हो कि पर डे 2-3 बंदों के एयरड्रॉप आते हैं। आप यहाँ पे इस दिन भाई देख लो 5 डे एगो 6 डे एगो में आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे एक दिन में 4-5 बंदों के एयरड्रॉप आते हैं। तो भाई आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एयरड्रॉप कितने आए हैं, इस तरीके से आपका भी एयरड्रॉप आ जाएगा। मेरी गिल्ड में जितने भी बंदे वो लोग ट्रिक फॉलो करते हैं तो उनका भी यहाँ पे एयरड्रॉप आ जाता है। तो अभी बताते हैं भाई आपका कैसे एयरड्रॉप आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो भाई आपको यहाँ पे वो कैरेक्टर लेना है जिसको लेके आपने कभी यूज ही नहीं किया, आपको आप कभी उसको लेके गेम प्ले नहीं करते हो। और आप यहाँ पे मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे एडम भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने मोको यूज किया था। और मोको, अगर आप मोको लेते हो या हयातो लेते हो, आपको हाँ ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं लेना है जो आप डेली यूज करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे आलोक लेते हो, यहाँ पे क्रोनो लेते हो, तो उसको आप ये यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसकी एबिलिटी आप लोग यूज करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे लगाते हो, इन सबको आपको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस का निशान, इनको आपको प्लस का कर देना है। और यहाँ पे अच्छा तो दोस्तों ये रहेगा तब जब आप यहाँ पे एडम ले लो या फिर कोई ऐसा करेक्टर ले लो जिसमें ये यहाँ पे लॉक हो,
जो यहाँ पे आपने ओपन ही नहीं किया हो, ऐसा कुछ ले लो यहाँ पे आपको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कलेक्शन में आना है, और कलेक्शन में आने के बाद यहाँ पे अवतार पे आ जाना है, और अवतार में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोको का मैंने करेक्टर लिया था, तो यहाँ पे मैंने मोको का ही यहाँ पे अवतार यूज़ किया था। अगर आप हैतो लेते हो तो आपको यहाँ पे हैतो का ही यहाँ पे करेक्टर यूज कर लेना है, सॉरी अवतार यूज कर लेना है। और यहाँ पे इसके बाद बैनर की बात किया, तो यहाँ पे आप बैनर वो भी कोई भी यूज कर सकते हो जो आपने यहाँ पे फ्री में करेक्टर लिया हो। आप हैतो का यूज कर लो, या फिर आप पलूमा का यूज कर लो, या फिर आप केली का यूज कर लो। हाँ, आपको वो नहीं यूज करना है जो आपने इलाइट पास का यहाँ पे हो, या फिर आपने डायमंड में किसी निकाला हो, या फिर कोबरा वाला, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पे यूज करने बैनर जो आपने किसी इलाइट पास वगैरह से लिया हो या फिर डायमंड से लिया हो। तो गाइस उसके बाद आपको अपने पेट सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको अपने पेट को रेस्ट पे कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने वेपन में आना है। आप जो भी यहाँ पे लेके खड़े हो लॉबी में उसको क्या करना है, आपको अनइक्विप कर देना। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास M10 की यहाँ पे स्किन थी, तो इसको यहाँ पे अनइक्विप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको वर्ल्ड में आना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि आपको कौन सा पहनना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो टी शर्ट है वो गोल्ड का है, ये शायद सीजन 9 या फिर 10 या फिर 11 इन्हीं में तीनों में से कोई एक है उसका है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये गोल्ड का है, तो ये फ्री में मिला था। और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे इसने पहना है सब ये फ्री का है। तो ऐसे करके आपको भी जो भी आपका फ्री का हो वो आपको यहाँ पे इक्विप यानी पहना देना है। आपको ऐसा कुछ नहीं पहनाना जो आपने डायमंड वगैरह से लिया हो या फिर आपने डायमंड रॉयल में निकाला हो। हाँ, आप यहाँ पे गोल्ड रॉयल वाला भी आप यहाँ पे पहना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे गोल्ड वाला पहना दो, आपको कोई भी डायमंड वाला यहाँ पे इक्विप नहीं करना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा गेम खेलना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ बता दें कि आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है, और जो लोग बहुत टॉपअप करते हैं तो भाई उन लोगों को यहाँ पे क्लियर कैश कर देना है कम से कम 8-10 बार। जो लोग टॉपअप नहीं करते हैं वो लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं करते तो उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग टॉपअप करते हैं तो भाई उनको ध्यान करके यहाँ पे क्लियर कैश कर देना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपको कौन सा गेम प्ले करना है। तो भाई जब मैं एयरड्रॉप बाई कर रहा था तो आपने वहाँ पे देखा था कि एयरड्रॉप 17 घंटे कुछ चल रहा था टाइम। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 और एगो यहाँ पे जब पहला गेम खेला तो नहीं ऑफर आया, लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरा गेम खेल के बुआ कर लिया क्लच स्कोर रैंक, यहाँ पे ऑफर आ चुका था। तो वहाँ पे 17 घंटे कुछ टाइम चला था, यहाँ पे 6 घंटे है। तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो किस तरीके से उस टाइम पे एयरड्रॉप आ गया था। तो आपको यहाँ पे क्लच स्कोर रैंक गेम खेलना है, और कब खेलना है तो उसके बारे में बता दें आपको। जब आपका महंगा वाला ऑफर चला होता है तो आपको यहाँ पे ऐसे ही उसको ड्रेस पहना देना है, और उसको पहनाने के बाद यहाँ पे तब आपको यहाँ पे जब आपका महंगा वाला ऑफर चल रहा होता है तब आपको यहाँ पे ऐसा करना है कि आपको ये वाले यहाँ पे क्लच स्कोर यहाँ पे बरमुडा खेलना है, या फिर आपको क्लच स्कोर यहाँ पे काला हरी वाली खेलना है। तो इस तरीके से जब आपका महंगा वाला ऑफर चल रहा होता है, लेकिन जैसे आपका महंगा वाला ऑफर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आपको अपने मेन अकाउंट 12 घंटे तक ओपन नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 13 घंटे की बात कर लिया था, यहाँ पे फिर भी मेरा ऑफर आ गया। तो इस तरीके से आपको कम से कम 20 घंटे या 18 घंटे तक ओपन नहीं करना है, और ओपन करने के बाद उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ क्लच स्कोर रैंक गेम लगाना है। जैसे कि आपको मैंने वहाँ दिखा दिया, आपको वहाँ पे सिर्फ क्लच स्कोर रैंक गेम लगाना है, और क्लच स्कोर रैंक गेम लगाने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, खेलना है, गेम प्ले करना है। और इसके अलावा दोस्तों एक मेन चीज़ ये है कि आप लोग क्या करते हो कि अपनी टीम लेके जाते हो, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कोई भी मेरी फ्रेंड लिस्ट का बंदा नहीं है। आपको रैंडम बंदों के साथ गेम प्ले करना है। अगर आप रैंडम बंदों के साथ गेम प्ले करोगे तो आपका ऑफर आएगा। बहुत से लोग भाई क्या करते हैं कि ट्रिक तो फॉलो करते हैं लेकिन अपनी टीम लेके जाते हैं। तो भाई आपको अपनी टीम लेके यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर देना है, और भाई आप जब यहाँ पे गेम खेलोगे, आप अगर बिया करते हो 2-3 गेम, तो आपका ऑफर आ जाएगा। अगर आपका ऑफर पहली बार में नहीं आता तो भाई आपको ट्रिक दूसरी बार फॉलो करनी है, और आपका दोस्तों पहली या दूसरी बार में कन्फर्म है कि आपका ऑफर आ ही जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।